बोरीवली पश्चिम के स्वर्गीय प्रमोद महाजन मैदान में यह देखिए, क्रीड़ा प्रोत्साहन खासदार चषक महिला पुरुष कबड्डी स्पर्धा का शुभारंभ। उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी जी के हाथों से हुआ। यहाँ पर भारी संख्या में महिला कबड्डी खिलाड़ी एवं पुरुष कबड्डी खिलाड़ी उपस्थित होकर 3 दिनों तक विभिन्न प्रकार के कबड्डी एवं क्रिकेट स्पर्धा में भाग लेंगे। यहाँ कबड्डी खेलने वाले प्रत्येक खिलाड़ियों को 500-500 रुपए की प्रोत्साहन राशि सांसद गोपाल शेट्टी के मार्गदर्शन में प्रदान की जाएगी। यह पहला प्रयोग है किसी कबड्डी खिलाड़ी को प्रोत्साहन के रूप में 500-500 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। विजेता टीमों को ट्रॉफी एवं इनाम राशि दी जाएगी, लेकिन प्रत्येक खिलाड़ी को 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी खेलो इंडिया का कॉन्सेप्ट यानी देशात आणलं आणि आपण आज पाहतो का खेल किती मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललाय। कबड्डी हे महाराष्ट्रातल्या मातीतला खेळ आहे आणि ऑलिम्पिक मोठ्या गेममध्ये पण आपण बघितलं तर कबड्डीमध्ये गोल्ड मेडल आपल्याला मिळतो आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये जया शेट्टी हे स्टेट बँक ऑफ इंडियामधून खेळत होते, काम करता करता हे छत्रपती शिवाजी पुरस्कार मिळाला। छाया नावाच्या मुलीबरोबर लग्न केलं, ती कबड्डी खेळत होती, तिला छत्रपती शिवाजी पुरस्कार मिळाला। ह्या दोघांना पुत्ररत्नाचा लाभ झाला। गौरव शेट्टी त्याला छत्रपती शिवाजी पुरस्कार मिळाला, गोल्ड मेडल त्यांना मिळाला। असे मोठे मोठे खेळाडू ह्या मुंबई शहरामध्ये असतानाही कबड्डीला जितका मोठा स्थान मिळाला पाहिजे ते मिळत नाही आहे आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये जसा क्रिकेटमध्ये पैसा आहे तसं कबड्डी खेळणाऱ्यांच्या हातातही 2 पैसे यायला पाहिजे म्हणून पैसा जिमखाना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून आम्ही प्रत्येक खेळाडूंना प्रत्येक गेमसाठी 500 रुपये द्यायचं ठरवलं। परमेश्वर करो येणाऱ्या काळामध्ये माझ्यापेक्षा सक्षम खासदार असेल तो 1000 रुपये देईल, कोणी 1500 रुपये देईल, तर कबड्डीमध्ये सुद्धा पैसा येईल आणि ह्यांना ह्याची नोंद घेतली जाईल, ह्या मुलांची नोंद घेतली जाईल। यांना पोलिसांमध्ये भरती करताना ह्यांचा विचार केला पाहिजे, सरकारी नोकरीमध्ये भरती करत असताना ह्यांचा विचार केला पाहिजे। आता 2%-3% केलं आणि मी आता मग बोलता बोलून गेलो, 25% रिझर्वेशन खेळातल्या मुलांना द्यायला पाहिजे। लोक आकर्षित होऊन खेळतील आणि ह्यांचं आरोग्य चांगलं राहील, आपल्याला नोकरी मिळेल हे लक्षात घेऊन जर क्रिकेट आणि कबड्डी व्हॉलीबॉल फुटबॉल ह्या सर्व खेळ खेळायला लागले तर त्यांचा शारीरिक फिटनेस खूप चांगलं राहील आणि ते देशाचा उपयोग राहणार येणाऱ्या काळामध्ये। ह्याच्या मागची भूमिका तीच आहे आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये खेळाला आणखीन मोठा करण्यासाठी खासदार ह्या नात्याने मी माझ्या पक्षातले आमदार नगरसेवक सर्वजण मिळून एक मोठा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्याचं आम्ही ठरवलं आहे। इसलिए कि मैं महाराष्ट्र के विधानसभा में था तब से प्रयत्न इस बात का कर रहा हूँ। ये तीनों को छत्रपति शिवाजी पुरस्कार मिला है लेकिन एक घर मांग रहे तो सरकार दे नहीं रही है और एक कबड्डी के प्लेयर में एक मुख्यमंत्री के पत्नी का कोई सहेली थी उसके बच्ची ने गोल्ड मेडल उसको मिला तो उसको 1 करोड़ रुपये दे दिया। ये कौन सा तरीका है? मतलब अगर किसी बच्चे का पहचान मंत्रियों के और उप मुख्यमंत्रियों के साथ में होगा तो ही उनको बख्शीश मिलेगा। आप एक गाइडलाइन बनाओ, छत्रपति शिवाजी पुरस्कार जिनको मिला है उनको फ्लैट दिया है पिछले ज़माने में, उन दिनों में अगर 300 फुट का दिया तो अभी सरकार बड़ी हो गई, व्यवस्था बड़ी हो गई, 500 फुट का दे दो घर, क्या फर्क पड़ता है? एक नया घोषणा करना चाहिए ना, मांग आनी चाहिए ना कहीं से, तो ये जाति का उसका इसका सब रिजर्वेशन का व्यवस्था है तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये भी तो एक जात है ना, खेल जो खेलते हैं वो भी तो एक जात है, तो इनका भी रिजर्वेशन बढ़ाओ। अभी 3% का 10% करो, 15% करो। चुनाव के दौरान टिकट देने के टाइम भी आपने कहा कि ऐसा स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों मैं उसके पीछे की मेरी भावना यही है। देखिए मैं बचपन से बहुत गरीबी में से ऊपर आया तो मैंने बहुत मेहनत किया, 16-16 घंटा में काम करता था, तो जो खेल के साथ में जुड़ा होगा उसका फिटनेस अच्छा रहेगा, उसको कोई 12 बजे भी उठाएगा तो दौड़ कर जाएगा उसको मदद करने को, तो ये मोटा मोटा रहेगा तो घर पर सोएगा, आता सकाली बैठा फ़ोन करा नहीं जाएगा, तो फिटनेस इनका ठीक रहेगा तो उसको। और मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में भी खेल के माध्यम से बच्चों ने आने चाहिए आगे। महाराष्ट्र की मिट्टी से जुड़ा हुआ ये जया शेट्टी ने जो बात यहाँ पर बताई कि ओलंपिक में भी कबड्डी जाना चाहिए, कबड्डी आज आपकी जानकारी के लिए महाराष्ट्र का मिट्टी का खेल पूरे देश में सभी राज्यों में खेल रहे, हम टीवी में देखते हैं, यूट्यूब पे पंजाब के लोग खेलते हैं, हरियाणा के लोग खेलते हैं, सभी राज्यों में लगभग पहुँचा है, तो ये कबड्डी ओलंपिक में जाना चाहिए तो फिर इसका दर्जा और बढ़ेगा। जैसा हमारा गोविंदा आज फॉरेनर लोग भी करते हैं तो मुंबई का और ये महाराष्ट्र का मिट्टी का जो खेल है कबड्डी वो ओलंपिक में जाना चाहिए और मोदी जी के दिमाग में एक बार आ गया तो हो जाएगा फटाक से। ठीक है।